कुछ दिनों के बाद क्वीन ने फैसला किया कि वो मैरिज अपनी फ्रेंड को कर देंगे वैन लेडी के साथ। क्वीन ने किसी को भेजा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए वैन लेडी के बारे में, तो उन्हें पता चला था कि वो किसी और से प्यार करती है, और जो लॉर्ड है उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी बात नहीं है, इसलिए उन्होंने उस लड़के को उस सिटी से बैन कर दिया था। तभी हॉकिन के फादर आते हैं और बोलते हैं क्वीन, और क्वीन बोलता है फादर आपका यहाँ कैसे आना हुआ। क्वीन के फादर बोलते हैं कि तुम जानते हो कि अब हम और कुछ ज्यादा दिनों तक जवान नहीं रहेंगे, तो तुम्हें अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, तुम्हें उस इंसान को शादी करनी चाहिए जिसे तुम पसंद करते हो। तभी क्वीन बताता है कि फादर भी मैरिज नहीं हो सकती क्योंकि लेडी मैन किसी और को पसंद करती है, वो जिस स्कॉलर को पसंद करती है उससे ही उसकी शादी होनी चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ही बने हैं। इनके फादर बोलते हैं लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, ये ठीक बात नहीं होगी। तभी क्वीन बोलता है कि स्कॉलर से वो प्यार करती है, उसको सिटी से बैन कर दिया गया है, और इसलिए बैन किया गया है क्योंकि वो अच्छे से कमाता नहीं है, उसका रेपुटेशन ठीक नहीं है, तो हमें आपके सोर्सों को यूज करके किसी तरह उन दोनों को मिलाना चाहिए। इनके फादर कहते हैं ठीक है, मैं एक रिकमेंडेशन लेटर डालूंगा और गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि उस लड़के को मेरे अंदर काम करने दिया जाए। तभी क्वीन अपने फादर को बताता है कि अब वो बोल सकता है, और उसके फादर खुश होते हैं। अब कुछ दिन का ये बात करते हैं कि तुम अब बोल सकते हो, कह सकते हो तुम बोल सकते हो। क्वीन के फादर को विश्वास नहीं होता कि क्वीन अब बोल सकता है, और वो बोलता है मुझे बहुत खुशी होती है तुम अब बोल सकते हो। अगली सुबह क्वीन जीन को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलाता है और बताता है कि जो मेडिसिन उसने मुझे दी थी उसकी भी वजह से मेरे पाँव और आवाज़ ठीक हो सकती है, और एक वैल्यूबल मेडिसिन है जो ढूंढने में 1 साल लग जाएगा। तब वो बताता है कि ये मुँह ही वो इंसान है जिसकी वजह से वो ठीक हुआ है। ये मुँह की तरफ देखता है और कहता है कि ये मुँह क्यों नहीं तुम मेरे घर के अंदर रहते, और इसी छत के नीचे हम दोनों साथ रहे हैं, और इस बहाने तुम तो मेरे बच्चे पीछे लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उसे तुम आराम से ठीक कर सकते हो। इस तरह तुमने यूनु को अपने दरवाजे से मिलाया और इंट्रोडक्शन उसका दिया। साथ ही यूनु को उसने कहा कि तुमने देखा कैसे हम भी वर्ल्ड के होते ही एक साथ रह सकते हैं। तुम कुछ किताबें पढ़ रहा होता है, तभी यूनु कहता है कि इन स्टोरीज के ऊपर बिलीव मत करो। फिर कहता है कि वो सिर्फ तुम पे ही बिलीव करता है ना, वो सिर्फ यूनु पे बिलीव करता है, और कहता है यूनु से कि यदि किसी दिन तुम उससे बोर हो जाओ तो मुझे भी तुम जरूर बताना। तभी यूनु तुम को करने और बात नहीं करनी चाहिए, और दोनों के बीच की दोषी बढ़ने लगती है, और साथ ही दोनों का फेस बहुत देर तक चलता है, और ये उसके बाद बोलते हैं कि अब वो कोई और बात करनी चाहिए, क्या हमें शादी के बारे में बात करनी चाहिए। क्वीन बोलता है कि ह्यूमन वेडिंग्स होती है वो बहुत ही ट्रेडिशनल होती हैं, तो तुम्हें वेडिंग की डाउरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी और मैं वेडिंग की सेरेमनी को प्रिपेयर करूंगा। क्वीन कहता है कि ऐसे तो रीति रिवाजों के तौर पर घर वाले एक दूसरे के घर से शादी के बारे में बात करते हैं, पर चूंकि तुम्हारे कोई घर वाले नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी बोलता है कि शादी करने के ऐसे तो मुझे तुम्हारा घर आना अच्छा ही है, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास कोई नहीं है तो तुम मेरे यहाँ आ जाओ, और तुम मेरे यहाँ पर मेरे पेरेंट्स के साथ भी रह सकते हो, और यदि तुम यहाँ रहना चूज करते हो तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। बोलता है कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस है, और ये भी बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे विषय की तुम एक इमॉर्टल कल्टिवेशन वाला इंसान मतलब स्पिरिट हो और वही तुम बनना चाहते हो, लेकिन मेरी एक ही विषय की मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और मुझे कोई तरह की वो भी नहीं होगी, रिग्रेट भी नहीं होगी यदि मैं कभी मर जाऊं तो। यूनु पूछता है क्या तुमने ये सब इस चीज बड़े दिनों से तैयार किया है, क्या तुम इसी पे ये सब आसानी से बोल रहा हो। तो क्वीन बताता है कि ये सब वो काफी दिनों से सोच रहा था। तभी यूनु बोलता है कि उससे कोई पता नहीं है कि वो उसके घर आए या मैं उसके घर जाऊं, एज लॉन्ग एज दोनों साथ रह सके यही बहुत है उनके लिए। तभी यूं कहता है कि तुम्हारी पटर पटर सुनने से तो अच्छा है मैं तुम्हें कुछ कम इयर्स जीने दूं तो थोड़ा मैं शांति से रह सकूंगा। मैं यहाँ बता दूं कि यदि ये दोनों शादी करते हैं तो क्वीन की लाइफ का स्पैन जो है थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सरपिन के साथ शादी करने से कुछ लाइफ स्पैन कम हो जाता है इस स्टोरी के हिसाब से।
ये बात खत्म होते ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और तभी ये सोच रहा होता है कि सरपंच के साथ शादी करने से मेरी जिंदगी थोड़ा कम हो जाएगी, और वो इनू को कहता है तो इसी बात पे तुम्हें मुझे अच्छे से सर्व करना चाहिए। इनू सोचता है कि मैं तो सिर्फ एक मॉर्टल हूँ, मेरे पास कोई स्पेशल पावर वगैरह नहीं है, तो मैं सिर्फ यूमू का वेट कर सकता हूँ कि कब वो मेरे पास अपने आप आएगा पूरी तरीके से। कुछ दिन के बाद क्वीन को एक लेटर मिलता है, और क्वीन वो लेटर पढ़ रहा होता है, तभी ईमू से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्वीन बताता है कि मैं ये सारे लेटर्स को एडिट कर रहा हूँ, यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो मंथ में एक बार अपने घर वालों को लेटर भेजते हैं, लेकिन उन्हें लेटर ठीक से लिखना नहीं आता, तो मैं उनको ठीक से ट्रेस करके भेजता हूँ। तभी ईमू उन लेटर्स को देखता है और पढ़ने लगता है, और बोलता है कि इस तरह के हैं यहाँ पर ऑफिशियल्स। तभी क्वीन मुस्कुराते बोलता है हाँ इस तरह के हैं यहाँ पर ऑफिशियल्स। इनू पूछता है तो क्या तुम ये लेटर अब उनके लिए वापस से लिखोगे, क्वीन बोलता है हाँ कई बार लिखता हूँ मैं उनके लिए ये लेटर्स। तभी यू क्वीन को अपनी तरफ खींचता है और बोलता है इन लेटर्स के बारे में भूल जाओ, आज तुम मेरे हो, और दोनों एक साथ बैठते हैं। तब वो उसको हॉट स्प्रिंग की तरफ ले जाता है, जहाँ क्वीन उसको देखता है और बोलता है कि ये कितना सुंदर है, क्या तुमने मेरे लिए प्रिपेयर किया है यहाँ? तो वो बोलता है हाँ मैंने तुम्हारे लिए ये प्रिपेयर किया है। तभी यू क्वीन को अपने साथ उसके हाथ से पकड़ता है और उसे किस करता है, और तभी यू पूछता है कि क्या तुम्हें सच में मरने से डर नहीं लगता? तो गुण बोलता है कि नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे किसी चीज का डर नहीं लगेगा। गुण की तरफ देखता है, बोलता है सच में मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं अपना लाइफ पूरा तुम पर बैठ कर रहा हूँ, जितने भी साल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं उतना ही खुश रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी मैं कुछ साल कम जी। तभी यूं बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एक गैम्बलर भी हो और उन दोनों के बीच में फिट होता है। तभी क्वीन बोलता है कि यदि मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ और उस इंसान के साथ ना रह सकता तो जिंदगी क्या क्या मतलब। यूं और क्वीन के बीच में फिर से एक फेस होने लगता है, और यही तब हो जाता है, और वो बोलता है कि ये ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया था, तुम्हें रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को काफी एक साल से जानते हैं और मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे और तुम मेरे पास ही रहोगे, तो मेरा लाइफ शॉर्ट है इसलिए हमें साथ में रहना चाहिए। क्वीन बीमो को बताता है कि यदि इसका लाइफ सेट भी अच्छा तो तुम तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो अपने लाइफ को उसके साथ टाइम बिताने के लिए गैम्बल करने के लिए और उसका ट्रेड करने के लिए तैयार है, और बीमो उसकी ये बात सुनता है। क्वीन कहता है कि तुम वाकई में होपलेस हो, तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। तभी क्वीन कहता है मुझे होपलेस नहीं हुआ, रोमांटिक बोला। जब क्वीन और क्वीन बात कर रहे होते हैं तभी एक लड़का भागते हुए आता है और बोलता है मिस्टर शिन, तो क्वीन पूछता है ये क्या है, लड़का बताता है कि ये वुल्फ का बच्चा है, उसने डीमन वुल्फ को मार दिया है लेकिन उसका बच्चा यहाँ रह गया, मैं क्या करूँ? तभी क्वीन बच्चे को हाथ लगाता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। लड़का बताता है कि मुझे लगा कि जो वुल्फ डीमन किंग है उसकी वाइफ उसे टॉर्चर कर रही है, क्योंकि उसका फेस जो है वो बहुत पेल था इसलिए मैंने उसे मार दिया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जो वुल्फ डीमन था वो पहले से बहुत बीमार था, और जो उसकी पत्नी वुल्फ थी उसने अभी अभी बच्चे की डिलीवरी की थी और मैंने सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में कर दिया। लड़का ये भी बताता है कि चूंकि डीमन किंग का कोई प्रोटेक्शन नहीं था तो ये जो बेबी है वो वुल्फ के अंदर टर्न हो गया अपने रियल लुक के अंदर, अब मैं इस बेबी का क्या करूँ आप ही मुझे कुछ बताइए। क्वीन बोलता है कि ठीक है तुम इस वुल्फ के बच्चे को मेरी गोदी में दो। लड़का वुल्फ के बच्चे को क्वीन की गोदी में देता है, तभी क्वीन बोलता है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ, तुमने को मैंने पहले भी कहा था कि बिना किसी चीज को जाने पहचाने कोई भी डिसीजन मत लिया करो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने इस वुल्फ के बच्चे की फैमिली को खत्म कर दिया, अब बेसिकली तुम इस वुल्फ के बच्चे के एनिमी हो, इसलिए अब तुम मुझे इसे दो और साइड में बैठो। लड़का क्वीन से माफी मांगता है, और तभी क्वीन यूं की तरफ देख के बोलता है कि क्या तुम इसे ह्यूमन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? तभी वो बोलता है क्या तुम इस बच्चे को पालने वाले हो? तभी ईमू जो है उस बच्चे को जादू की मदद से उसके ह्यूमन फॉर्म में लेके आता है, और तभी क्वीन सोचता है कि मैं कैसे इस बच्चे को पालूंगा। क्वीन मस्ती में अपना सिर यूमू के कंधे पे रखता है और बोलता है क्यों ना तुम इस बच्चे को पालो। यूमू बट से उसका सिर थोड़ी दूर करता है और बोलता है कि नहीं इस बच्चे को तुम ही पालो। जो लड़का अभी आया था उसके बच्चे को लेकर वो बोलता है सरपंच स्पिरिट तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तभी सेकंड बोलता है, मैं यहाँ से नहीं हो सकता हूँ। और तभी लड़का फिर उनको बताता है कि तुम्हें पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे यदि तुम सरपंच के साथ रहोगे। तो फिर बोलता है हाँ मुझे पता है कि क्या है कॉन्सिक्वेंस। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और सबकी अपनी एक चॉइस होती है, और मैंने अपनी चॉइस में वीनू को अपने साथ चुना है। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा, तुम जाके वो वुल्फ वाले कपल को बरी कर देना। जब लड़का चला जाता है तो वीनू बताता है कि वुल्फ ने अपने एक स्पिरिचुअल पार्ट का हिस्सा अपनी मतलब प्रेग्नेंट वुल्फ को दिया होता है, जिसकी वजह से वो कमजोर होता है, इस वजह से मिंशु ने मार मार सका। लेकिन तुम इस बच्चे को रेस करो। लेकिन वुल्फ जो होते हैं वो बहुत ही वो होते हैं, वेंजफुल होते हैं, वो अपना बदला जरूर लेते हैं। लेकिन यदि इसकी परवरिश तुम ठीक से करोगे तो ये बहुत ही अच्छे रूप में आगे इसकी ग्रोथ होगी। तभी क्वीन सोचता है कि क्या होगा यदि ये अपनी एज से पहले ही मतलब इसका एज आए और उससे पहले ही मैं मर जाऊं तो इसकी देखरेख कौन करेगा? मेरे घर वाले कभी भी इसे ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे। यदि मैं पहले मर गया तो इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? तभी क्वीन से पूछता है कि आखिर वो कितने साल तक जी सकता है, क्या वो कुछ ज्यादा साल जी सकता है? क्वीन जिमू पूछता है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्वीन बोलता है कि यदि मैं 10 साल से ज्यादा जी सकता हूँ तो मैं इस बच्चे को पालूंगा, नहीं तो मेरे मरने के बाद इसे कौन देखेगा? यिमू बोलता है वाकई में तुम बहुत दूर तक का सोच रहे हो। तभी अचानक यिमू बोलता है कि क्वीन अपना मुंह खोलो, और क्वीन बोलता है कि, और यिमू अपने मुंह के अंदर कुछ डालता है और वो चीज थोड़ी सी ट्रांसफर क्वीन के अंदर कर देता है और बोलता है ये तुम्हारा न्यू ईयर गिफ्ट है। क्वीन कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे हर प्रॉब्लम से बचाओगे और मैंने अपना पेट कुछ गलत नहीं लगाया। तभी ये मुझ के सिर पे हाथ रखता है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। क्वीन बोलता है कि न्यू ईयर का खाना आज तुम हमारे साथ ही खाते जाओ, और अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेरता है।